enjoy with me. एक आदमी मरकर यमराज के पास गया। यमराज, तुमने पाप और पुण्य दोनों किए हैं, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में भी नरक मिलेगा। आदमी, वो कैसे? यमराज, देखो, तुम्हें दो ग्लास दारू और एक लड़की मिलेगी। ग्लास में छेद होगा, लड़की में नहीं। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया, सोनिया माहेश्वरी। मैं आई हूँ आपको हंसाने और गुदगुदाने। तो आइए, आपका स्वागत है। गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझे प्रपोज किया? बॉयफ्रेंड, सब कुछ देखने के लिए ही तो प्रपोज किया। एक लड़की जमादार से बोली, भैया मेरी नाली का पानी कैसे निकलेगा? जमादार, बस डंडा डालने की देर है, पानी तो मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा। नौकरानी, बीवी जी आप अपनी साड़ी वापस ले लीजिए। मालकिन, क्यों? नौकरानी, जब पहनती हूँ साहब तो ध्यान देते नहीं, उल्टा पीछे से पड़ोसी आके लिपट जाते हैं। एक प्रेमी युगल को काफी दिनों से प्यार करने का मौका नहीं मिल रहा था। तभी पास ही के एक पार्क में पेड़ के पीछे जाकर चुम्मा चाटी करने लगे। एक बुजुर्ग वहां से गुजरता हुआ उनकी हरकतें देख रहा था और बोला, अम्मा बरखुरदार, ये हमारी तहजीब है। तभी लड़के ने बोला, नहीं चचा जान, ये गुप्ता जी की बेटी शकुन है। अध्यापिका बंटी से, कल रात मेरी धूमधाम से शादी हुई, इस वाक्य का फ्यूचर टेंस बताओ। बंटी, मैडम इसका फ्यूचर टेंस है, आज रात आपकी जम के ठुकाई होगी। बनता, पहले हनीमून और दूसरे हनीमून में क्या अंतर है? संता, पहले हनीमून में बीवी बोलती है, ओ माय गॉड कितना बड़ा है, फिर तो सारी उम्र पति बोलता रहता है, ओ माय गॉड कितना बड़ा है। साली अपने जीजा से बोली, जीजा 500 रुपए दे दो, एक हफ्ते बाद दे दूंगी। जीजा, तुम 500 नहीं 1000 ले लो, पर अभी दे दो। एक बूढ़ा और बूढ़ी सेक्स करने लगे। बूढ़ी, डाल दिया क्या? बूढ़ा, हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है। बूढ़ी, अच्छा तो फिर आह आह आह। अध्यापिका बंटी, पारदर्शी शब्द का उदाहरण दो। बंटी, मैडम आपकी ड्रेस में से लाल रंग की ब्रा दिख रही है। अध्यापिका, महामूर्ख तुझे शर्म नहीं आती? बंटी, तभी तो नहीं बोला मैडम कि आपकी फटी हुई पैंटी भी दिख रही है। एक पति अपनी पत्नी से बोला, आओ तुम्हारी बैटरी चार्ज कर देता हूँ। पत्नी, जी आपने रात को ही तो की थी। पति, एक बार और कर देता हूँ। पत्नी, नहीं इतनी जल्दी बैटरी चार्ज करोगे तो बैटरी फूल जाएगी। सेक्स और चुनाव में सिमिलर क्या है पता है आपको? सिंपल, उम्मीदवार का खड़ा होना। एक बिहारी बाबू डॉक्टर से बोले, अरे ओ डॉक्टर साहब, कैसी नसबंदी की है हमारी बीवी फिर से माँ बनने वाली है। डॉक्टर, अरे ओ बुड़बक, हमने नसबंदी तुहार की है, पूरे बिहार की नहीं। अध्यापिका बंटी से, अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें तीसरी आंख लगाने की शक्ति दे दूं तो तुम वो आंख कहाँ लगाओगे? बंटी, जी अपनी बड़ी उंगली पर। बड़ी उंगली पर क्यों? ताकि मैं वो उंगली आपके अंदर डाल के देख सकूं कि आप ये सारे सवाल मुझसे ही क्यों पूछते हो। आध्यात्मिक सेक्स, सुख और संतोष में क्या फर्क है? जो जीवन में अपनी पसंद से ठोकने को मिले वह है सुख, और जो मिले उसे ठोकना पड़े वह है संतोष। लड़की एक लड़के से बोली, तुम्हारे लिए मैं फास्ट करूंगी। लड़का, नहीं बेबी धीरे धीरे आराम से करो, मजा आएगा। लड़की, हरामी कुत्ते, मैं व्रत की बात कर रही हूँ। पिंकी, बाबा मुझे भविष्य देखना सिखाओ। स्वामी जी, कपड़े उतारो और घोड़ी बन जाओ। पिंकी, ये क्या कह रहे हो बाबा, क्या आप मुझे ठोकने वाले हो? स्वामी जी, देखा दिखने लगा ना भविष्य। बंटी अध्यापिका से, मैडम आप मुझे अच्छी लगती है, मैं आपसे शादी करूंगा। अध्यापिका, मुझे बच्चों से नफरत है। बंटी, मैडम मैं कोशिश करूंगा कि बच्चे ना हो। एक पाकिस्तानी काफी समय बाद पाकिस्तान गया। अपनी जमीन पर
कदम पड़ते ही उसने मिट्टी उठाई, उसको चूमा और बोला, अब अपने वतन की मिट्टी में वो खुशबू नहीं रही। तभी पास खड़ा आदमी बोला, भाई साहब आपने मिट्टी नहीं टट्टी उठा ली। भक्त, बाबा, चूत और चूतिये में क्या अंतर है? बाबा, जो आदमी को पागल कर दे वो चूत, और जो चूत के पीछे पागल हो वो चूतिया। संता बंता से बोला, यार अच्छी और बुरी लड़की में क्या फर्क है? बंता, अरे जो अच्छी होगी वो खुशी देगी और जो बुरी होगी वो खुशी खुशी देगी। गर्लफ्रेंड, ये सनी लियोन कौन है? बंटी, ये सनी देओल का स्त्री रूप है, इसके भी ढाई ढाई किलो के हैं, जिसको देखने के बाद आदमी उठता नहीं, आदमी का उठ जाता है। वजूद न जिसका वो हस्ती किस काम की, वजूद न जिसका वो हस्ती किस काम की, जहाँ दिल न लगे वो बस्ती किस काम की। तुझे कोई न मिले और मैं लेता रहूं, तुझे कोई न मिले और मैं लेता रहूं, तो भैंचोद ऐसी दोस्ती किस काम की। एक बार एक औरत ब्रा और पेंटी की दुकान पर गई, दुकानदार से मोल भाव करने लगी। दुकानदार बोला, देखिए मैडम, ब्रा में मैंने आपका दिल रखा है, लेकिन पेंटी में आपको मेरी जुबान रखनी पड़ेगी। पिंकी, दादी दादी, आपके जमाने में इतने सारे बच्चे क्यों पैदा होते थे? दादी, क्योंकि हमारे जमाने में पत्नी न पति के सामने मुंह खोलती थी, न ही अपना पिछवाड़ा दिखाती थी। समझ में आया? नहीं समझ में आया। समझ में आया तो शेयर करो, नहीं तो पोगो देखो। एक भक्त निर्जर बाबा से, बाबा हर साल बच्चा पैदा हो जाता है, क्या करूं? बाबा, कंडोम इस्तेमाल करो। तभी वह, हाँ करता हूँ। तो फिर कंडोम मोहल्ले में बांटो, कृपा वहीं से आ रही है। पप्पू सिनेमा हॉल में पॉर्न मूवी देखकर घर भाग रहा था। बंटी रास्ते में मिला और रोका, अरे तुम इतने बेताबी से कहाँ जा रहे हो? पप्पू, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अगर तुम कोई गंदा काम देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे, और मुझे लगता है कि मेरा एक पत्थर का हो चुका है। एक फ्रेंड अपने समझदार फ्रेंड से बोली, क्या ये सच है? लड़के जहाँ अपना सामान डालते हैं बच्चा वहीं से निकलता है। फ्रेंड बोली, हाँ। तो क्या मेरा बच्चा मेरे मुंह से निकलेगा? कुछ लोग एक बार करते हैं, कुछ लोग दो बार करते हैं, कुछ लोग बार बार करते हैं, और कुछ लोग सारी रात करते रहते हैं। तब जाके होता है उनका मोबाइल चार्ज। गर्लफ्रेंड बंटी से, मुझे जादू दिखाओ। अच्छा, नीचे झुक जाओ। तुम्हें उंगली महसूस हो रही है? हाँ, देखा, मेरे दोनों हाथ ऊपर है, फिर भी तुमको उंगली महसूस हो रही है। अध्यापक अपने छात्रों से पूछता है, उन चीजों के नाम बताओ जो धरती पर स्वर्ग का अनुभव कराते हैं। पप्पू, सर, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। अध्यापक, गलत जवाब, फकिंग एंड सकिंग। जरूरी नहीं बच्चे बहन चोद हो, अध्यापक भी मादर चोद हो सकते हैं। दो दोस्त बहुत दिनों बाद गप्पे लड़ा रहे थे। पहला बोला, और सुनाओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रिया कैसी है? दूसरा, अबे अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा किया, माँ की लोड़ी पूरी रंडी थी, हम सबको बांटती थी। अबे चुप, अब वो मेरी बीवी है। गर्लफ्रेंड, कल मैंने सपने में सामान का मेला देखा। पप्पू, मेरा देखा? गर्लफ्रेंड, हाँ एक कोने में छोटा सा लटक रहा था। पप्पू, मैंने भी कल सपने में सामान का मेला देखा। अच्छा, मेरी देखी? अरे उसी में ही तो मेला लगा था। उसने कहा दबाओ, मैंने दबाया। उसने कहा और दबाओ, मैंने और दबाया। उसने कहा बनियान निकाल के दबाओ, मैंने बनियान निकाल कर भी दबाया। उसने कहा पैंट निकाल के दबाओ, मैंने पैंट निकाल के दबाया। फिर वो बोली, देखो हो गया ना सूटकेस बंद। अध्यापिका, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते? बंटी, बता दूंगा मैडम तो आप नाराज हो जाएंगी। प्यार किस्मत है कोई ख्वाब नहीं, प्यार किस्मत है कोई ख्वाब नहीं,
ये वो खेल है जिसमें सब कामयाब नहीं, जिन्हें इश्क की पनाह मिली वो कुछ ही लोग हैं, जिन्हें इश्क की पनाह मिली वो कुछ ही लोग हैं, और जिनके लोड़े लग गए उनका तो हिसाब ही नहीं। हैदराबाद के निजाम की बेटी की शादी थी, तभी वहां एक शायर आया और बोला, तारीफ क्या करूं इस इंतजाम की, तारीफ क्या करूं इस इंतजाम की, लौंडिया ठुकने जा रही है निजाम की। जंगल में हाथी ऊंट से बोला, तेरी पीठ पे ये बूब्स कैसे, अरे तेरी पीठ पे ये बूब्स कैसे। ऊंट गुस्से से बोला, अबे जाबे जा, जिसके चेहरे पे लंड लटका उससे मैं बात नहीं करता। क्या आपने कभी मुंह में लिया है, अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ आपसे। वो मोटा सा नरम नरम मुलायम बालों वाला जिसके ऊपर कवर होता है, अरे कभी भुट्टा नहीं खाया क्या। एक लड़की की टी शर्ट पर हेलीकॉप्टर छपा हुआ था, एक लड़का गौर से देख रहा था। लड़की बोली, कभी हेलीकॉप्टर नहीं देखा। लड़का, मैं हेलीकॉप्टर नहीं हेलीपैड देख रहा हूँ। पप्पू ने एक बुढ़े से कहा, क्या 10 रुपए मिलेंगे। बुढ़े ने कहा, राइट जेब से ले लो। पप्पू ने जेब में हाथ डाला, जेब फटी थी, कुछ और ही हाथ में आ गया। उसके बाद उसने गुस्से से कहा, नहीं है इसमें। बुढ़े ने कहा, लेफ्ट से ले लो। लेफ्ट में हाथ डाला तो वो भी जेब फटी थी, कुछ और ही हाथ में आ गया। पप्पू ने हाथ निकाला और बोला, साले बुढ़े के पास पैसे तो है नहीं और दो दो सामान लेके घूमता है। संता की कुतिया प्रेग्नेंट थी। संता, हे भगवान, कुत्ता या कुतिया ही पैदा करना। बनता, भोसड़ी के इसमें कहने की क्या जरूरत है। संता, नहीं कभी कभी मेरा भी काम चल जाता था ना। सीने से टपकता पसीना, भीगा हुआ पछवाड़ा और लथपथ थी सीना, भीगा हुआ पिछवाड़ा और लथपथ थी सीना। अब तुम ही बताओ इतनी गर्मी में गाले कैसे ठोके हसीना। लड़कियां पैंट के नीचे क्या पहनती हैं? सोचो, अरे जवाब दो। अरे सैंडल पहनती है, नीचे पूछा था अंदर नहीं, डर्टी माइंड। एक महिला डॉक्टर से बोली, मेरा पति 300% नपुंसक है। डॉक्टर हैरानी से, वो कैसे। महिला, एक तो उनका खड़ा नहीं होता, दूसरा उनकी उंगली टूटी है, और तीसरा उस चूतिया ने कल गरम दूध पी के अपनी जीभ भी जला ली। अध्यापिका ने पप्पू से पूछा, लड़की और लड़के में क्या अंतर है। पप्पू, लड़की 1 साल में एक ही बच्चे की माँ बन सकती है, जबकि लड़का 1 साल में 365 बच्चों के पापा बन सकते हैं। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने लगा। गर्लफ्रेंड, अरे कॉन्डोम कहाँ है। पप्पू आश्चर्य से, आज बिना कॉन्डोम के करेंगे। गर्लफ्रेंड, भैंचोद, अगर 9 महीने बाद अचंभित कर दूं तो फिर लंड जैसा मुंह मत बनाना। योगा टीचर ने क्लास में बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों ये बताओ मैं एक टांग पर कब और क्यों खड़ी होती हूँ। एक छात्र ने जवाब दिया, अंडरवेयर पहनने और उतारने के समय। अर्ज किया है, सुन रहे हैं ना आप, अर्ज किया है, मरवाने से किसी की मौत नहीं होती गालिब। वाह 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 वाह। मरवाने से किसी की मौत नहीं होती गालिब, बस चलने के अंदाज बदल जाते हैं। अध्यापिका ने क्लास में बच्चों से पूछा, बच्चों आज हम व्याकरण पढ़ेंगे, एक औरत खिड़की से झांक रही है, ये क्या है। तभी बंटी बोला, मैडम ये एक वचन हुआ। अध्यापिका, अच्छा अब पप्पू तुम बताओ, बहुत सी औरतें खिड़कियों से झांक रही है। पप्पू, मैडम ये रंडी बाजार हुआ। एक महिला डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने गई, डॉक्टर ने कहा लेट जाइए। महिला लेट गई, डॉक्टर ने कहा लंबी सांस लीजिए। महिला ने लंबी सांस ली, डॉक्टर ने कहा और लंबी सांस ली। तभी आवाज आई खटा, डॉक्टर बोला लगता है आपके रीढ़ की हड्डी टूट गई। महिला बोली, रीढ़ की हड्डी नहीं डॉक्टर, मेरे ब्रा की पट्टी टूट गई है। अध्यापिका, इस धरती पर 2 तरह के सेक्स हैं, पुरुष और स्त्री। बंटी, मुझे तो और भी सेक्स पता है। अध्यापिका, बताओ कौन से। बाथरूम सेक्स, बेडरूम सेक्स, ऑनलाइन सेक्स और यूट्यूब सेक्स। एक सरदार की बीवी का रेप हो गया, कोर्ट में जज साहब ने पूछा, क्या आप वो जगह दिखा सकते हैं जहां आपकी बीवी का रेप हुआ। सरदार ने अपनी बीवी की सलवार उतारी, अंडरवेयर नीचे किया और बोला,
यहाँ जज साहब, यहाँ एक महिला पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाने गई। इंस्पेक्टर, क्या हुआ मैडम? सर, कल एक लड़के ने मेरा रेप कर दिया। अच्छा, वो कैसे? सर, पहले उसने मेरे हाथ को पकड़ा, पैरों को सहलाने लगा, पैरों को सहलाते सहलाते उसका हाथ मेरी कमर तक गया, मुझे घसीटा, फिर मेरे गालों को काटा, मेरे होठों को चूमा और चूसने लगा। चुप, तू यहाँ रिपोर्ट लिखाने आई है या मेरा सामान खड़ा कर रहे? दोस्तों, आपसे एक सवाल, क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी जगह है जहाँ औरत और मर्द के घुंघराले बाल होते हैं? बंटी अपनी गर्लफ्रेंड के पापा से मिलने गया। अच्छा, ये बताओ, क्या तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? पप्पू जी, बिल्कुल खुश रखूंगा। पापा, अच्छा कैसे? सर, आप खुद अपनी बेटी से पूछ लीजिए, कल रात जब वो मेरे कमरे में थी तो कितनी खुश थी।